आईपीएल के पहले एनिमेटर मुकाबले में केकेआर ने हैदराबाद को हरा दिया और अब केकेआर की टीम 2024 के आईपीएल के फाइनल में पहुंच चुकी है। लेकिन इस वीडियो में केकेआर के साथ में जो टीम फाइनल खेलेगी हम उस टीम की बात करने वाले हैं। केकेआर और हैदराबाद के बाद में आईपीएल का दूसरा एनिमेटर मुकाबला आरसीबी और राजस्थान के बीच खेला जाना है और जिस तरह से आरसीबी आक्रामक तरीके से खेल रही है तो इसको देखते हुए यह लग रहा है कि आरसीबी राजस्थान को आसानी से हरा सकती है और अगर आरसीबी राजस्थान को हराती है तो आरसीबी का आने वाला मुकाबला 24 मई को हैदराबाद के साथ होने वाला है। और जैसा कि आपको पता है आरसीबी और हैदराबाद का मुकाबला हर बार ही खतरनाक होता है। 2024 के आईपीएल में इन दोनों के बीच में दो मुकाबले हुए जिनमें से पहले मुकाबले में हैदराबाद की टीम ने आरसीबी टीम को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा और आरसीबी के खिलाफ अपना सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। लेकिन दूसरे मैच में आरसीबी टीम ने वापसी करते हुए हैदराबाद को पटकनी दे दी। लेकिन इस बार सेमीफाइनल का मुकाबला आरसीबी और हैदराबाद के बीच में हो सकता है और अगर आरसीबी और हैदराबाद के बीच में सेमीफाइनल का मुकाबला होता है तो उसमें जीतने के चांसेस हैदराबाद की टीम के बहुत ज्यादा लगते हैं। बात करें हैदराबाद टीम के बारे में, हैदराबाद टीम के लिए 2024 के आईपीएल में बहुत ही बढ़िया लग रही है। हैदराबाद टीम के कप्तान पैट कमिंस बहुत ही आक्रामक कप्तानी करते हैं जिसको देखते हुए यह लग रहा है कि हैदराबाद की टीम आरसीबी टीम को हरा के फाइनल में पहुंचने वाली है। और हैदराबाद टीम फाइनल में पहुंचने वाली नहीं है बल्कि यहां तक भी लगता है कि हैदराबाद टीम 2024 का आईपीएल खिताब भी अपना नाम करने वाली है। तो जिस तरह से हैदराबाद की टीम की परफॉर्मेंस चल रही है उसको देखते हुए इस बात में कोई भी संकोच नहीं है। उसके अलावा क्रिकेट के सभी फैंस और साथ ही मैं भी ये चाहता हूं कि आरसीबी टीम इस बार का फाइनल मुकाबला अपने नाम करे। आप भी अपनी टीम का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जिसे आप चाहते हैं कि वह टीम फाइनल का मुकाबला जीते। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।